नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली दंगों पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 300 उपद्रवी उत्तर प्रदेश से आए थे, हालांकि पुलिस ने 36 घंटे में दंगे रोक दिए। उन्होंने सदन को बताया कि दंगाइयों में से 1100 लोगों की फेस आइडेंटिफिकेशन के जरिए पहचान की गई है। 7 सोशल मीडिया अकाउंट दंगों के दौरान एक्टिव थे, जो दंगे खत्म होते ही बंद हो गए। अमित शाह द्वारा दंगों के जवाब पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ने सदन में पूछा कि जब दंगे हुए तब गृह मंत्री कहां थे। शिवसेना एनसीपी ने सरकार को घेरा, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने सरकार का बचाव किया। एनसीपी सांसद अमोल कोहले ने कहा कि जब गुजरात का दंगा हुआ था तब अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करे। वहीं सपा सांसद ने कहा कि इस देश में मुसलमानों की जिंदगी महफूज नहीं है। उधर दंगे पर चर्चा से पहले लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के 7 सांसदों का निलंबन खत्म करने का संकल्प पेश किया और सदन ने इसे ध्वनि मत से पारित किया। भारत में कोरोना वायरस के 18 और मरीज मिलने के बाद अब तक 68 मामले सामने आ चुके हैं। इसका असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है, खेल पर भी असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आईपीएल को तभी मंजूरी मिलेगी जब मैच बिना दर्शक आयोजित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजों पर लगाए जाने वाले आरोपों को लेकर चिंता जताई है। भ्रष्टाचार की संभावना के चलते एक जज को बर्खास्त करने के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज साधना चौधरी को बहाल करने के आदेश दिए। कोर्ट का कहना है कि जज आसान टारगेट है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अनुज चौधरी को सौंपने और 5 उपाध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई है। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन का कहना है कि पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय ले उसे हम आंख बंद करके स्वीकार करें। समय कुछ मांगने की नहीं बल्कि सब कुछ न्यौछावर करने का है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर उसके 6 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़गांव के चादुरा में सक्रिय थे। निर्भया के दरिंदे पवन ने फांसी से बचने के लिए नया पैंतरा चलाया है। उसने जेल में मारपीट का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की है। पवन का कहना है कि दिल्ली के मंडावाली जेल के 2 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। निर्भया के दरिंदों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। इस संबंध में आने वाले कानून का उन्होंने समर्थन करने का फैसला किया है, जिसके चलते उन्हें वर्ष 2024 में राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल चलाने की अनुमति मिलेगी। अफगानिस्तान में शांति समझौते के तहत तालिबान कैदियों की रिहाई 14 मार्च से शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने 5,000 तालिबान कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।